See, we have seen in voltage regulation क्या होता है, जब भी हम लोड टर्मिनल्स पर लोड को जीरो वैल्यू से फुल लोड पर ले जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स फ्रॉम इंड्यूस्ड ईएमएफ टू टर्मिनल वोल्टेज. जो एक स्लाइड ड्रॉप होता है वोल्टेज का, उसका रीजन होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस कुछ करंट कंज्यूम करते हैं. ये तो थियोरिटिकल वैल्यू हो गई. इसको यदि हम न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्लेस करें तो हमें इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो एक न्यूमेरिकल करके देखें. इस पर है अ 20 kVA ट्रांसफार्मर इज गिवन, जो कि सिंगल फेज 50 Hz ट्रांसफार्मर है, और उसकी वोल्टेज रेटिंग है 2000/220 वोल्ट. 20 kVA ट्रांसफार्मर है और इसकी वोल्टेज वैल्यूज है 2000/220 वोल्ट. ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के लिए हमें प्राइमरी और सेकेंडरी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है. एज R1 इज इक्वल टू 2.1 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 0.026 ओम. और इसके बाद हमें सवाल में दिया है लीकेज रिएक्टेंस ऑफ बोथ दीज वाइंडिंग्स. जो फर्स्ट प्राइमरी वाइंडिंग की लीकेज रिएक्टेंस है वो 2.5 ओम्स दिया है, और सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस दिया है हमें 0.03. तो ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स हमारे पास हैं. हमें क्या निकालना है, रेगुलेशन एट फुल लोड. फुल लोड मीन्स जब रेटेड करंट विल फ्लो इन द सेकेंडरी, उसके अंदर रेगुलेशन क्या वैल्यू आती है, नो लोड से फुल लोड में क्या चेंज होता है, या E2 से V2 में क्या ड्रॉप होता है, दैट वी हैव टू सी. और कंडीशंस हमारे पास तीन दी हुई हैं. फर्स्ट इज यूनिटी पावर फैक्टर पर, दूसरा कंडीशन है हमारे पास 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर, माने इंडक्टिव लोड लगा रहे हैं आप. और तीसरी कंडीशन दी है जबकि आप कैपेसिटिव लोड लगा रहे हैं, दैट इज 0.5 लीडिंग पावर फैक्टर पर. ओके, सो सबसे पहले हम अपने रिचुअल से शुरू करते हैं. क्या निकालना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दैट इज के, एंड इट इज गिवन बाय V2/P1. जब भी हमारे पास अलग अलग प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दिया होता है, हम शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से. और ये यहाँ पर है 220/2000 वोल्ट, दैट इज 0.11. ओके, नेक्स्ट वी कैन हैव फुल लोड सेकेंडरी करंट. हमारे पास KVA वैल्यू दी है, हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज दिए हैं. चूंकि हमें सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए डाटा चाहिए, हम सेकेंडरी करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इट इज KVA इंटू 10^3 फॉर कन्वर्टिंग इट फ्रॉम KVA टू VA एंड डिवाइडेड बाय द वोल्टेज एट सेकेंडरी. सो 20 × 10^3 डिवाइडेड बाय दिस 220 वोल्ट विल गिव अस करंट वैल्यू एज 90.91 एम्पीयर. तो जब हमारे पास सेकेंडरी करंट आ गया, वोल्टेज रेगुलेशन की जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर अब हमारे पास क्या बचा, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रिएक्टेंस निकालना है उस एक्सप्रेशन में रखने के लिए. तो जब हमने कहा सेकेंडरी साइड है, लोड साइड है, तो हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को टोटल वैल्यू को सेकेंडरी साइड रेफर करके निकाल लेंगे. तो इस प्रोसेस में आर वुड बी व्हाट, R2 रिमेन सेम प्लस K² × R1 विल गिव अस रेफर टू सेकेंडरी रेजिस्टेंस. तो यहां पर हमारे पास R2 क्या है, 0.026 प्लस K वैल्यू इज 0.11 एंड R1 इज गिवन एज 2.1. जब इसको हम सॉल्व करते हैं, R02 हमें मिल जाता है 0.0514 के तौर. और इसके बाद हमें निकालना है रिएक्टेंस X02, एंड दिस कैन आल्सो बी टेकन एज X2 प्लस K² X1. पुट द वैल्यूज एज 0.03 प्लस 0.11² × X1, दैट इज 2.5. सो दिस ऑन सॉल्विंग गिव अस 0.0602. तो जब आर और एक्स मिल गए, हमें अब वोल्टेज रेगुलेशन की
इक्वेशन देखनी है. तो ब्रॉडली व्हेन वी से परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी टेकन एज ई टू माइनस वी टू बाय ई टू इंटू परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब ये ई टू माइनस वी टू क्या है? सेकेंडरी में ड्रॉप या टोटल ड्रॉप इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिफर टू सेकेंडरी. तो इसको देखेंगे तो वी कैन राइट इट एज देयर इज डिफरेंस आई टू इंटू आर नॉट टू कॉस फाई टू. कॉस फाई इज वॉट? लोड साइड पावर फैक्टर प्लस माइनस आई टू एक्स एंड साइन सेकेंडरी साइड. ओके, सो दिस विल गिव अस, ये तो हो गया हमारा ई टू माइनस वी टू का एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय ई टू इंटू 100 एज परसेंटेज. तो इधर पर मैंने यहाँ प्लस माइनस क्यों लिया है? दिस विल बी इम्पैक्टेड बाय द पावर फैक्टर. और हमारे सवाल में हमें तीनों पावर फैक्टर पर वैल्यूज निकालनी है, यूनिटी, लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर. तो पहले हम शुरू करते हैं एट यूनिटी पावर फैक्टर. तो एट यूनिटी पावर फैक्टर वी कैन हैव आई टू एंड ई टू आउटसाइड. सो आई टू वॉज हाउ मच? 90.91 एंड ई टू वॉज 220 वोल्ट. ओके, अब हम बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी आर वॉज 0.0514 इंटू यूनिटी मीन्स 1 प्लस होगा यूनिटी के केस में और एक्स टू है हमारा रिफर टू सेकेंडरी 0.0602 इंटू यूनिटी के केस में साइन फाइव क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट इंटू 100. सो दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन. वी हैव टू राइट इट एज परसेंटेज. परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एज 2.12%. माने नो लोड से फुल लोड तक करंट को ले जाने में, लोड को ले जाने में जो वोल्टेज ड्रॉप है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, दैट इज इम्पैक्टिंग द ड्रॉप एज परसेंटेज ऑफ 2.12%. ठीक है, अब हम निकालते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के केस में क्या डिफरेंस आता है वोल्टेज रेगुलेशन में. सो लैगिंग पावर फैक्टर कितना है? 0.5. क्या होगा? हमें अगेन इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज प्लेस करनी है एंड वी हैव टू कीप द साइन एज प्लस. तो वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी टेकन एज 90.91. करंट कॉमन वैल्यू है तो हमने बाहर रख लिया, 220 वोल्ट कॉमन बेस है. अब हम निकालेंगे 0.0514 इंटू 0.5 और साइन के लिए क्या निकालना होगा? कॉस इनवर्स ऑफ 0.5 और जो भी एंगल आता है उसका साइन फैक्टर, विच वी गेट एज 0.0602 इंटू 0.86 क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल होता है. तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे हमें परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है 3.21%. ये थोड़ा ज्यादा हो गया ड्रॉप क्योंकि रिएक्टिव कंपोनेंट और बढ़ गया. अब हमारे पास तीसरी कंडीशन आ रही है लीडिंग पावर फैक्टर की. लीडिंग पीएफ सेम वैल्यू 0.5. क्या अंतर पड़ेगा? हमें ये साइन को माइनस से रिप्लेस करना होगा या माइनस साइन यहां रखना होगा. बाकी कॉस फाइव इज 0.5 1/2 एंड साइन फाइव 1/2 के लिए साइन 60 वुड बी 0.866. सो नाउ प्लेस द वैल्यूज एज 90.91 into 0.0514 into 0.5 minus 0.0602 into 0.866. Solve this for base of 220 volt secondary voltage. What we obtain is minus value for voltage regulation. माने voltage की value रिसीविंग एंड पर बढ़ गई, घटने की बजाय बढ़ गई ड्यू टू दिस लीडिंग पावर फैक्टर या कैपेसिटिव इंपैक्ट.
तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन इंडक्टिव केस में, रेजिस्टिव केस में हमेशा पॉजिटिव मिलता है, माने वोल्टेज में ड्रॉप होता है और वो रिड्यूस हो जाता है। मगर कैपेसिटिव केस में लीडिंग पावर फैक्टर पर दिस कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी निगेटिव।